दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे करंट अफेयर में विशाखापट्टनम में जो गैस लीकेज हुई है उसके बारे में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम में जो गैस लीकेज हुई है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और गैस लीकेज हुई है वो कौन सी गैस है, वो है स्टायरीन। स्टायरीन और पीवीसी गैस भी उसे कहा जाता है, पॉली विनाइल क्लोराइड गैस। स्टायरीन गैस लीक्ड फ्रॉम एलजी पॉलीमर प्लांट नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्टायरीन इज ऑल्सो नोन एज विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल इथिलीन। यहाँ पर जो है स्टायरीन है, इट इज़ कलरलेस कंपाउंड, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका केमिकल फॉर्मूला है C6H5CH2, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इट इज़ टॉक्सिक कंपाउंड, ये हार्मफुल इफेक्ट जो है हमारी बॉडी पर क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आयरन की इफेक्ट से जो है बहुत लोगों को शिफ्ट किया गया है और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। तो यहाँ पर जो है उसका यूज़ कहाँ पर होता है वो हम देख लेते हैं। स्टायरीन का यूज़, इट इज़ कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, यूजिंग इन फूड पैकेजिंग, रबर, प्लास्टिक, इंसुलेशन पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सिगरेट्स में भी ये जो है। तो यहाँ पर स्टायरीन का यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन मेनली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, उसका यूज़ फूड पैकेजिंग में भी किया जाता है। यहाँ पर जो है स्टायरीन लीकेज हुआ है उसकी हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो अगर हम देखें तो इट इंक्लूड्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर है उस पर वो अफेक्ट करता है। इट कॉज कैंसर, हेडेक, डिप्रेशन, हियरिंग लॉस। इट ऑल्सो अफेक्ट्स अवर आई, स्किन एंड नोज, इट इरीटेट्स अवर आई, स्किन एंड नोज। गेस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स भी है उसके और रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स भी है। तो ये बहुत टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए और उसकी इफेक्ट जो है हमारी बॉडी में मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आई, स्किन इरीटेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करें तो प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट उसकी क्या है, उसका क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो ये जो गैस लीकेज हुई है तो सबसे पहले उसकी इफ़ेक्ट है स्किन पे और यहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो आपको मास्क पहनना चाहिए स्किन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। वॉश योर हैंड, वॉश योर स्किन, तो ये जो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और GBMC ने वाटर स्प्रेइंग करी है यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, उसका प्रिकॉशन ट्रीटमेंट भी कवर कर लिया, उसका यूज़ क्या है वो भी कवर कर लिया। और ये जो गैस है कौन सी गैस, स्टायरीन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। करंट अफेयर में ये पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी कंपनी के प्लांट से ये गैस लीकेज हुई थी, कौन सा गैस था वो लीकेज हुआ था। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में लीकेज हुआ था, तो उसका कॉमन नेम क्या है वो सारी चीज़ें भी आ सकती है। और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स मेनली कौन कौन से है वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड गैस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके यूज़, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, कौन कौन से हार्मफुल मेनली इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके वीडियो में यहाँ पर जो है हमने पूरा चीज़ जो है कवर कर लिया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। I hope it is helpful to you guys. Thanks for watching.